ददरौआ महाराज के सानिध्य में महगांव में सुप्रसिद्ध भूमिया सरकार के मंदिर पर 11 कुंडी भागवत कथा यज्ञ 9 मई से शुरू होकर आज 7 दिवस में श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन प्रखर प्रवक्ता देवकी नंदन ठाकुर जी के मुखारविंद से श्रोतागणों को रसपान कराया गया। कथा का क्रम नित्य की भांति चलता है। सुबह 9 बजे से 1 बजे तक भूमिया सरकार के महाराज द्वारा दिव्य दरबार लगाया जाता है। 7वें दिन भूमिया सरकार के महाराज द्वारा भूत प्रेत की बाधाओं से प्रेरित सभी दीन दुखियों की अर्जी एक साथ लगाई गई। भूमिया सरकार की कृपा से पलक झपकते ही भूत प्रेत बाधाओं से पीड़ित सभी लोग ठीक हो गए। सभी लोगों ने भूमिया सरकार को प्रणाम कर जयकारे लगाए। दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक सरस कथा वाचन देवकी नंदन ठाकुर जी के मुखारविंद से 7वें दिन रसपान कराया गया। क्या पूरा नाम बताओ? क्या पूछना चाहते हो? दिमाग आउट है। कौन को? रानी देवी। रानी देवी को? तो तुमने नाम बताया था तुमने यहाँ? मैंने नाम बताया। पहली बार आए हो? पहली बार आए। पर हमें कैसे पता है कि आपके घर में पत्नी रानी देवी है? आपके आपका नाम ही नहीं होता है बाबा। है और का भगवान की ऐसा समय होता है। देखो, आपकी पत्नी से भी पहले आपके यहाँ 2 व्यक्ति और पागल रहे हैं। हाँ ना, करते चलना। अच्छा जी, तो शादी से पहले ही परेशान थी। ठीक है ना, तो शादी से ही लगी भैया, क्योंकि अब ये ब्यादा जो है ये भामनम पड़ चुकी है। इसी वजह से आपके संतान पक्ष नहीं है, इसी वजह से लड़का नहीं हुआ, एक बच्चा खराब भी हुआ है इसका। आना करते चलो। एक बच्चा खराब भी हुआ है, क्योंकि ये भामन की ब्यादा है, रस्ते से लगी वही ब्यादा है। रखी वही ब्यादा इसलिए नहीं है कि आपको ये लगे कि मायके की ब्यादा, मायके की क्लियर नहीं है। मायके में भी इस पर रखा नहीं है किसी ने, इसे रास्ता से टकराव हुआ है। अब तो कहेगा, अब रूप तो बदलेगा। अगर वो सत्यता बता दे, देखते रहते हो उनके सीधे तब अधर्म बढ़ता है, दृष्टि दूषित होती है। जब गंदे शब्द सुनते हो तो अधर्म बढ़ता है, श्रवण शक्ति दूषित होती है। जब आप अपने मुंह से गंदे गंदे लफ्ज शब्द बोलते हो तब आपकी वाणी शक्ति जो है अपवित्र होती है, तब अधर्म बढ़ता है। हर एक घर में है अधर्म, बोलो हाँ या ना। जब आप मना करो बोले हमारे घर में नहीं। दिन में 2 सेकंड के लिए मंदिर हुआ थे, अपने आप को हम धर्मात्मा मानते हैं, और पूरे दिन झूठ बोलते रहते तो उसको अधर्म ही नहीं मानते। दूसरों की संपत्ति पे हमेशा नजर टिका के गाड़ के बैठे रहते, इतने नहीं सुधरेंगे। आई नो वेरी वेल, बट कुछ पीपल अवश्य सुधरेंगे, और ये जो कुछ सुधरेंगे ना उन्हीं के लिए कथा बोल रही, याद रखना। सबके लिए नहीं हो रही, सब तो तमाशगीन बन के बैठे होंगे, लेकिन जो अपने जीवन में यहां से कुछ कैच करके जाएगा ये कथा उसी के लिए हो रही। अब तुम ये सोचो कि तुम्हें ये कथा अपने लिए चाहिए कि नहीं चाहिए। इट्स अप टू यू, इट्स नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम स्पीकिंग फॉर ऑल। पिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।